हमारे BTS के मेंबर फिलहाल मिलिट्री में अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर रहे हैं और उनकी टाइम टाइम पर फोटोज और वीडियोस आती ही रहती हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से BTS के मेंबर अपनी ग्रोथ को और आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन आर्मीज, क्या आपको पता है कि रिसेंटली J-Hope की कुछ न्यू फोटोज आई हैं, जिसको देखने के बाद BTS आर्मीज बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि इन फोटोज में देखा गया है कि किस तरह इतने अच्छे से J-Hope इतने सारे सोल्जर्स को लीड कर रहे हैं और एक बहुत ही लंबी मार्च है जिसको उन्होंने लीड किया था और इसकी फोटो हर जगह बहुत ही वायरल हो रही है। तो जिस मार्च की मैं बात कर रही हूँ वो रिसेंटली सोल्जर्स की हुई थी मिलिट्री में, जो कि 20 किलोमीटर यानी 212.5 माइल्स लंबी थी और इस मार्च को J-Hope ने अकेले ही कंडक्ट और लीड किया था अपनी मैंडेटरी सर्विस के अंडर। और इसकी फोटोज रिसेंटली आई हैं हर जगह पर और इसे देखकर सभी आर्मीज को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आर्मीज बोल रही है कि हमारे J-Hope कितने ज्यादा अच्छे से लोगों को लीड कर रहे हैं, जैसे कि वो BTS को लीड किया करते थे। यही नहीं बल्कि फैंस को सबसे अच्छा तो ये लगा कि किस तरीके से इन फोटोज में J-Hope अलग ही हमारे सनशाइन की तरह चमक रहे थे और उनकी ब्राइट स्माइल सभी आर्मीज के चेहरे पर भी स्माइल ले आई। तो इन फोटोज में J-Hope ने नियॉन कलर की वेस्ट पहनी हुई थी और उनके हाथ में एक सिग्नल लाइट था। यही नहीं बल्कि वो सोल्जर्स ट्रेनिंग के बीच में खड़े हुए थे और काफी अच्छे से हंस रहे थे और इन फोटोज को देखकर आर्मीज को बड़ा ही अच्छा लगा। वैसे तो कुछ फोटो थोड़ी सी ब्लर थी और बाकी थोड़ी सी क्लियर थी। कुछ फोटोज में J-Hope भी अपने साथ वाले सोल्जर्स के साथ ना फोटोज खिंचवा रहे थे और पोज कर रहे थे। पता चला है कि जिनकी तरह J-Hope भी मिलिट्री के ड्रिल इंस्ट्रक्टर बन गए हैं और जो भी न्यू रिक्रूट्स और मिलिट्री के ऑफिसर्स आते हैं उनको ड्रिल कराना, उनकी मार्च कराना, ये सब कुछ J-Hope का ही काम होता है। लेकिन आर्मीज को खास ये बात लगी किस तरीके से स्माइल रख के अपने चेहरे पर J-Hope अपने मिलिट्री सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे, क्योंकि ये काम करना बहुत ही टफ हो जाता है। जब आप एक टफ सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग लोगों को देनी है, तो अक्सर यहाँ पर लोग रूड हो जाते हैं, उनमें एटीट्यूड आ जाता है ये सोचकर कि वो इतने हाई पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। लेकिन हमारे BTS के मेंबर J-Hope इतने डाउन टू अर्थ हैं कि वो इन सभी सोल्जर्स को इतने प्यार से इतने अच्छे से सिखा रहे थे और उनकी ये फोटोज देखकर आर्मीज ने कई तरीके के कमेंट्स किए, जैसे कि बहुत सारे आर्मीज J-Hope की तारीफ कर रही थी कि वो किस तरीके से स्माइल करते हुए लोगों का साथ दे रहे हैं। कई सारी आर्मीज बोल रही थी कि उन्हें J-Hope के काम पर बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि J-Hope इतने अच्छे से इतने ज्यादा अच्छी पोजीशन को लीड कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि स्पेशल फोर्स को इस तरीके से लीड कर रहे, J-Hope को कुछ टाइम पहले स्पेशल फोर्स के लीडर का टाइटल भी मिला था और उनको बहुत ही जल्दी सर्जेंट की ड्यूटी भी मिल गई थी क्योंकि उनके एक्सेप्शनल स्किल्स बहुत ही अच्छे थे और अब फाइनली वो ड्रिल इंस्ट्रक्टर बन चुके हैं। और फिलहाल तो आर्मीज को इंतजार है J-Hope के बर्थडे पर आने वाली और न्यूज का, क्योंकि कई सारे आर्मीज J-Hope के बर्थडे की प्रिपरेशन में लग गई हैं और उनका मानना है कि शायद मिलिट्री में भी अच्छे से कोई ना कोई प्रोग्राम होंगे। तो आर्मीज मुझे कमेंट करके बताओ कि J-Hope की ये न्यू फोटोज आपको कैसी लगी। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।